If I'm overthinking, I'm really trying, so I should stop it. So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. Bye. Safe journey. Happy journey. Bye bye. Bye 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 bye. Bye. समझ ही गए होंगे आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मुकुल स्टार्ट नहीं कर रहा है। सो अभी मैं हूँ आनंद विहार के ISVP पे। सो आज मैं जा रही हूँ दिल्ली टू हल्द्वानी और हल्द्वानी से जा रही हूँ मुक्तेश्वर। सो ये होने वाला है एक ट्रैवलिंग व्लॉग और आपको इसके दो सीरीज मिलेंगे, दो पार्ट मिलेंगे। सो देखते हैं, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मुक्तेश्वर और बहुत पीसफुल प्लेस है, ज़्यादा कुछ इतना ओवर क्राउडेड प्लेस नहीं है। सो देखते हैं कि कैसा है। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी कि मुक्तेश्वर कैसी प्लेस है। एक छोटी सी जगह है, छोटा सा हिल स्टेशन है जो नैनीताल के ऊपर है, एकदम टॉप पे। सो देखते हैं, बारिश भी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। सो वहाँ पे भी बारिश हो रही है, लेट्स सी कि मौसम कितना ज़्यादा ठंडा है। सो स्टे ट्यून्ड। Figured out by now, tired of them bringing me down. It's automatic and it's tragic, cause it matters every second that I lose. I wish I could get back to. मॉर्निंग गाइस, सो अभी हम पहुंच गए हैं द हिमालयन मुक्तेश्वर रिजॉर्ट जो हमने बुक किया था मुक्तेश्वर में। सो अभी हम यहां पे पहुंचे हैं, करीब 10 बजे पहुंचे हैं, बिकॉज़ ये हल्द्वानी से ऑलमोस्ट 3 या 4 घंटे दूर है। तो अभी हम यहां पे पहुंचे हैं और मैं अभी आपको रिजॉर्ट का टूर देती हूं। रिजॉर्ट बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, तो मैं आपको रिजॉर्ट दिखाती हूं। अभी ये पीछे ही है, ये इसका एंट्री है, रिजॉर्ट का एंट्री इस साइड से, और ये स्टेयर्स। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। और ये पूरा रिजॉर्ट है और हमें ऊपर का रूम मिला है। और ये यहाँ का गार्डन, और गार्डन में मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। ये छोटे बच्चों के लिए झूला, स्लाइड वाला, और यहाँ पे एक झूला है, यहाँ पे भी स्विंग वाला है। और ये, हाँ, यहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हो, फोटो शूट के लिए काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये। अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, रिसेप्शन से एंट्री होगी, ये रिसेप्शन है। सुकून के दोपल,
सो ये रिसेप्शन है और यहाँ की मुझे डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये एपन एपन आर्ट रेड वाला। सी यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पर आप, ये एक तरह से स्टडी रूम है, यहाँ पर आप बैठ के अपनी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। और ये फिर यहाँ पे भी कुछ एंटीक्स हैं। और यहाँ से फिर ऊपर जाने हैं, यहाँ से रूम्स हैं, स्टेज भी बहुत प्यारी सी हैं। एंड यहाँ पे टेबल टेनिस भी है जो हम खेलेंगे। अभी मैं आपको गेमिंग जोन का भी दिखाती हूँ कि गेम जोन में क्या क्या है। ये ऊपर और रूम्स हैं और हमारे रूम्स इस साइड हैं। एक ये वाला रूम है और एक ये वाला रूम है। तो मैं अब आपको रूम का टूर देती हूँ। दो रूम लिए हैं हमने। सो ये रूम है और ये बेड है और यहाँ पे दो काउच है। मुझे यहाँ का बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगा। बालकनी भी है, बालकनी भी मैं आपको दिखाऊंगी। ओवरऑल रूम बहुत अच्छा है। और हाँ, वॉशरूम भी सही है, बहुत क्लीन है। अब मैं आपको बाहर बालकनी में लेके चलती हूँ। सी, लुक एट द व्यू। मतलब जंगलों के बीच में एकदम ये रिजॉर्ट है। एंड यहाँ पे चेयर्स एंड टेबल है। और ये नीचे जो मैंने आपको गार्डन दिखाया था, ये वो है। ओवरऑल मुझे तो बहुत पसंद आया ये रिजॉर्ट। आज कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है, बहुत हवा चल रही है और यहाँ ठंड बहुत है। इस साइड भी बहुत सारे, मतलब यहाँ पे ना आसपास में बहुत सारे रिजॉर्ट हैं। तो हमने तीन चार आपस में काफ़ी सारे रिजॉर्ट देखे थे, तो पसंद तो हमें यही आया। और ये अच्छा भी है बहुत। और यहाँ पे मैं फ़ोटो सेशन करूँगी अच्छा सा। सो गाइज, अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और हमने मंगाया है आलू प्याज के पराठे एंड चाय। अब तो जस्ट नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, देन हम उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है आज। और यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट भी है इनका, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये इस रिजॉर्ट का छोटा सा रेस्टोरेंट है। एक्चुअली ये ना ऑफ सीजन चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको अभी इतने गेस्ट नहीं दिखेंगे। सो अच्छा है, मतलब होते तो भी अच्छा था, नहीं है तो भी अच्छा है। ऐसा लग रहा है अपना प्राइवेसी वाला है ना। और यहाँ से भी व्यू है अच्छा खासा। और हाँ, मैं आपको ना गेमिंग जोन वाले भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे चेस वगैरह भी है। जब हम खेलने जाएंगे ना वहाँ का, मैं आपको मतलब वो टेबल टेनिस है वहाँ पे, चेस है, तो वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। A few moments later. It's not that it would just feel right. I've been looking my whole life.
का टाइम हो गया, 3 से ज़्यादा हो गया ना टाइम, और हमने अभी लंच नहीं किया। तो अभी ना मौसम भी बहुत चेंज हो गया है, बादल आ गया, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जैकेट पहन ली है। सो अभी हम जा रहे हैं लंच करने, नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है वहाँ पर हम लंच करके आएंगे, और अभी फ़ोटोशूट किया और फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई हैं, और बाकी अभी हम थोड़ा सा और फ़ोटोशूट करेंगे, अभी लंच करने चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। चाइनीज़ में भी हमने हक्का चिली पटेटो मंगाए हैं, और देखते मोमोज एंड चाउमीन में से क्या मंगाना है, देखते हैं। ओके सो गाइज, अभी हम लंच करके आ गए हैं, लंच तो नहीं मतलब बहुत लेट किया है। तो अभी हमने देखा कि अभी हमारे रिजॉर्ट के ऊपर ना एक टेरिस है, तो मैं ना अभी वहीं जा रही हूँ, और आपको ना वहाँ से पूरा व्यू दिखाती हूँ चारों तरफ का। But I can't say no, not gonna do this all the time. Not gonna focus another moment on the things that I can't control. I need to find some peace of mind tonight. I don't wanna think about it now. डिनर के बाद सोने से चाहे एक बार ना नाइट व्यू देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ का नाइट व्यू बहुत सुंदर है, और सब जगह ना लाइट्स चली हुई हैं, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ नीचे तो लाइट्स चली हुई हैं, ये तो अपने ही रिजॉर्ट की हैं, और सामने आपको बिल्कुल पहाड़ नहीं दिखेंगे क्योंकि वहाँ पर घर है ही नहीं, तो मैं आपको ये इस साइड का दिखाती हूँ। फ़ोन में तो मतलब इतना कुछ दिख नहीं रहा है इतना, बट सामने से तो बहुत सुंदर लग रहा है। और आज तो बिजली भी बहुत चमक रही है यहाँ पे, मैं आपको नाइट व्यू दिखाती हूँ रिजॉर्ट का, नाइट व्यू बहुत सुंदर है। तो चलो नीचे चलते हैं। रिजॉर्ट का नाइट व्यू, नाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज लाइट्स वगैरह यहाँ पे जल जाती हैं, बाकी यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। मैं बस एक जैकेट लाई हुई है और इससे भी ठंड नहीं रुक रही, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। यहाँ पे सारी लाइट्स जल रही है, इसकी भी मैंने फेंक दी है, बहुत सुंदर लग रहा था, मून जैसा लग रहा था ये। यहाँ पे ऊपर हमारे रूम्स है,
एंड ये वही जहाँ पर हमने फोटो सेशन किया था और यहाँ पे स्पॉटलाइट है तो कलर चेंज हो रहा है तो लग रहा है और वो ऊपर टेरेस है जहाँ से मैंने आपको व्यू दिखाया था। ओह बारिश होने लगी, चलो चलो चलो। और गाइस ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, फर्स्ट पार्ट मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग का यहीं पे एंड होता है। गुड नाइट, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।